स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास्टर साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोर्स वन संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष जो ध्यानाकर्षण की टेक्निक है उस पर आधारित जो कोर्स है उसका आकलन भाग के क्या प्रश्न और उत्तर हैं। तो ये कोर्स है संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष, इसका आकलन भाग को हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में प्रेरणा लक्ष्यों की सूची और तालिकाओं को लगाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है शिक्षकों और अन्य अनुश्रवणकर्ताओं को बच्चों के आकलन में सुविधा हो। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। संसाधनों से परिपूर्ण कक्षा कक्ष वातावरण निर्माण करते समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा कक्ष प्रासंगिक चित्रों, चार्टों, पोस्टर्स, आकृतियों से युक्त हो, बच्चों के स्थानीय परिवेश से जुड़ी हो, लर्निंग आउटकम की प्राप्ति में सहायक हों। तो इसमें उपरोक्त सभी सही है। बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र, पोस्टर्स व विषयगत शिक्षक सामग्री कक्षा कक्ष में लगाना बच्चों को उत्साहित होकर सीखने में मदद करता है। इसका सेकंड ऑप्शन सही है। लर्निंग कॉर्नर से क्या आशय है? कक्षा का एक कोना बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु सुसज्जित करना, इसका सेकंड ऑप्शन सही है। एक ऐसी कक्षा जिसकी दीवारें रंगारंग व प्रेरणादायक हैं, पोस्टर्स, चार्ट पेपर्स व अन्य रोचक प्रिंट सामग्री से परिपूर्ण हैं, बच्चों की जिज्ञासा व दैनिक अनुभवों को अभिव्यक्ति के अवसर सृजित करते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो सहमत हैं, इसका पहला ऑप्शन सही है। कक्षा कक्ष को प्रिंट रिच बनाने का एक महत्वपूर्ण लाभ है कि बच्चे बार बार देखते हैं। बच्चों की साक्षरता का पहला चरण होता है, चारों ओर दिखाई देने वाले प्रिंट में अर्थ भी छिपे होते हैं। तो इसका डी ऑप्शन में उपरोक्त ए बी सी सही है। मिशन प्रेरणा के तहत सरकार द्वारा निर्धारित के सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा तालिका कक्षा कक्ष में लगी होनी चाहिए। तो मिशन प्रेरणा कक्षा 1 से 5 तक के लिए है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। आप बच्चों को प्रिंट समृद्ध वातावरण से जोड़ने के लिए बच्चों को कक्षा में पोस्टर्स और चित्रों के अवलोकन का अवसर देंगे, बच्चों को चित्रों पर बातचीत का अवसर और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, बच्चों को चित्रों पर बातचीत का अवसर और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और उपरोक्त सभी, तो इसमें उपरोक्त सभी सही है। एक विद्यालय के आदर्श कक्षा कक्ष की कुछ प्रमुख शिक्षण सामग्री है, निर्धारित माप का सैंपल, मानचित्र, ग्लोब, घड़ी, कूड़ादान, प्रिंट समृद्धता व ICT शिक्षण हेतु उपकरण, उपरोक्त सभी सही है। ध्यानाकर्षण शिविर को ध्यान में रखकर बनाई गई आदर्श समय सारणी कहाँ लगाना है? इसको कक्षा कक्ष में लगाना है, बी ऑप्शन सही है। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए, इनके 10 क्वेश्चन के आंसर दे दिए, इनको सबमिट करेंगे तो ये आपका स्कोर हो गया। तो इस तरीके से आपको आकलन भाग कर लेना है इसका, और वीडियो भी 6-7-8 मिनट का वीडियो है तो वो भी आपको वीडियो देख लेना है। इस तरीके से 5 कोर्स और हैं, तो उन 5 कोर्स के भी हम 1 बाय 1 देख लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।